हेलो गाइस, आप लोग आप फिर से मैं एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं आज एक गेमर बकचोद गेमर के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो ऐसा कॉमेडी टाइप का वीडियो बनाया जिसको रोस्ट करने का मन तो नहीं कर रहा था दिल से, लेकिन इतना गुस्सा आया ना कि उसको रोस्ट करना ही पड़ा। तो इस वीडियो का कुछ क्लिप्स जो होगी आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, लेकिन प्लीज मैं वीडियो को अंत तक देखें। अगर आप लोग न्यू हैं तो जरूर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। अरे एक्सेल भाई, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई, पता है तुमको? हाँ? क्या तेरी और गर्लफ्रेंड बन गई? तो अभी पब्लिक ने तेरी कम मारी है, जो तू चाहता है कि ये पब्लिक भड़क जावे और तेरी पूरी अभी से ही चालू कर दे तेरी मारना। हाँ, तुम्हारे 6 मिलियन होंगे पर हो गए ना। अरे भाई, गजब बेइज्जती है। ठीक है, चल अपनी गर्लफ्रेंड को बुला ले। रुको जरा, सबर करो। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं, दोबारा ट्राई करेंगे। अबे ये कैसा बंडल है, ये तो इंडियन सर्वर में आया ही नहीं है। ये गर्लफ्रेंड मेरी फ्यूचर की है। और शरीफ पना चोदने के लिए वीडियो बनाता है कि मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, मैं वैसा नहीं बोल रहा था, और ऐसा करता है पीठ पीछे। अरे तुम बताओ बाबू, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो चॉकलेट फ्लेवर ही पसंद है। अरे चुप हो जाओ यार, तुम लोग जरा शर्म तो कर लो। अबे गंदी सोच, हम तो आइसक्रीम के बारे में बात कर रहे थे। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। अच्छा, तेरी गर्लफ्रेंड फ्यूचर की है ना, तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। फ्यूचर के बारे में तुम लोगों ने सोचा क्या है? नहीं नहीं बाबू, वो लोग डुओ कैसे खेले? अबे साले, अभी से बच्चा पैदा करने का प्लानिंग कर रहा है, बता गेम में खेल रहा है बच्चा पैदा करने का मशीन बना रहा है? भोसड़ी के समझ से बाहर है। एक रुको, अभी तुम लोग का बताता हूँ। खेलेंगे फिर? हाँ बाबू, पेरेंट स्क्वाड खेलना हुआ तो बाबू 4 बेबीज, पर अगर उनको आउटडोर गेम खेलना हुआ तो बाबू 11 बेबीज। निकलो इधर से, थोड़ी देर और रुक जाता तो सेंचुरी कर लेते ये लोग तो। बहुत तेज हो रहा है यार गाइस, आज सुबह मेरा आईफोन 14 प्रो मैक्स गिर गया था मेरे हाथ से, इसलिए मैं अपनी धन्नू को लेके निकल पड़ा हूँ फुल स्पीड से। जवान और जूझी कंट्रोल में रहना चाहिए। अरे प्रोटेक्शन लेने के लिए यार। अरे आईफोन का प्रोटेक्शन तो मॉल में तो आ चुके हैं। और गाइस पता नहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स का नाम सुनते ही बंदे खड़े क्यों हो जाते हैं। भाई तू जो है आईफोन का प्रोटेक्शन क्यों ले रहा है? नुन्नू का प्रोटेक्शन ले ले, शायद उससे तेरा बच्चा पैदा कम हो सके। या 100 बच्चा या सेंचुरी बच्चा पैदा करके तू क्या करेगा? ये तो कवर लेने के लिए रहा। फिर कैसे इस बंदे ने एक ऐसा कवर निकाला जो 14 प्रो का है? भाई मेरा 14 प्रो मैक्स है यार। यार गाइस दूसरे फोन वाले के पास आया तो मेरे फोन से फोटो खींचने लगा, भाई फोन लेके भाग गया। तो ये फोन दे। और गाइस फिर इस चुप चुप, बिल्कुल शॉप में आया तो इधर शॉप कीपर ही नहीं था। भाई कहाँ है? दुकान खुला छोड़ के भाग गया क्या यार? भाई रिटर्न आने के बाद भी कोई फायदा नहीं, इसे पता ही नहीं है कहाँ पे कवर है। तो चलो गाइस, फाइनली 1 घंटे के बाद इसने कवर निकाल के दे दिया। पर ये क्या, ये तो 13 प्रो मैक्स का कवर है। तो गाइस फाइनली 2 घंटे के बाद 2 कवर निकाला है यार। भाई दो ही तो। अबे लन फटी के भोसड़ी वाला बकचोद, इतना बकचोदी करेगा तो सच में पब्लिक पागल है। तुझे कान में तेल डाल के तुम्हारा बम ब्लास्ट कर देगा। कवर थे और दोनों कवर कैमरा पे फिट नहीं आए तो फिर क्या किया एक्शन भाई? फिर क्या भाई, बोरी बस्ता लिया और निकल पड़ा घर की तरफ। पार्ट 2 के लिए 100 के लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दो। तू अगर तुम जरा मारी को तुम लोग भाई जा।